हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। आप और कांग्रेस ने पहले से कई मोर्चों पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इन सब उठापटक के बीच बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा। पहले टिकट बंटवारे पर घमासान मचा और अब सीएम पद के लिए भी दावेदारी सामने आने लगी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अम्बाला कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने द्वारा किए गए कामों का हवाला दिया और कहा कि मैं सबसे वरिष्ठ नेता हूं, मैं अपनी सीनियोरिटी के आधार पर मुख्यमंत्री बनने का दावा करूंगा, पार्टी मुझे बनाती है या नहीं ये उनका फैसला होगा। अनिल विज ने आगे कहा कि मैंने कभी कोई पद नहीं मांगा, लेकिन अब मैं मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहा हूं। अगर पार्टी मुझे सीएम बनाती है तो मैं हरियाणा की तस्वीर बदल कर रख दूंगा। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक, मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है। इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक, मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अम्बाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाई कमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। इससे पहले लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त भी विज ने सैनी के पद ग्रहण पर नाराजगी जाहिर की थी। 29 जून 2024 को गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी। इसके बावजूद हरियाणा के कई वरिष्ठ नेता सैनी के नाम पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश किया था। विच के दावे से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी सतर्क हो गया है। पार्टी ने एक और पंजाबी नेता पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्य चुनाव समिति का सह संयोजक बनाया है। इससे यह साफ होता है कि पार्टी पंजाबी वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती। अनिल विज हरियाणा बीजेपी के सबसे बड़े पंजाबी चेहरा है, लेकिन भाटिया को सामने लाने से पार्टी का इरादा यहां पर साफ दिखता है। अनिल विज ने 2014 के मोदी लहर में भी मुख्यमंत्री पद का दावा किया था। उस वक्त भी रामविलास शर्मा और ओम प्रकाश धनखड़ के साथ उनका नाम चर्चाओं में था, लेकिन तब बीजेपी ने पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। खट्टर ने 9 साल तक हरियाणा की सत्ता संभाली और विज उनके कैबिनेट में अहम मंत्री थे। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अनिल विज का नाम सैनी की कैबिनेट में शामिल था, लेकिन विज ने मंत्री पद लेने से मना कर दिया और शपथ समारोह में शामिल भी नहीं हुए। इसके बाद विज ने कई बार कहा कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी असहमति साफ झलक रही थी। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसमें मुश्किल से 3 हफ्ते का वक्त बचा है और नायब सिंह सैनी के बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर पार्टी में ही सवाल खड़े होने लगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद पर अनिल विज के दावे को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि दावेदारी पेश करने की चाहत कोई भी रख सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। अब बीजेपी शीर्ष नेतृत्व भले ही बार बार हरियाणा में सीएम के नाम को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पहले राव इंद्रजीत सिंह और अब अनिल विज ने शीर्ष नेतृत्व के बयान से हटकर सीएम पद की मांग की है, उससे यह साफ है कि हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और चुनाव से पहले इस तरह की चीजें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर ला रही होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।